नमस्कार, जेके खबर नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनीषा बिष्ट। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों पर। सोपोर पुलिस ने एक खूंखार तस्कर जिसका नाम फारूक अहमद चंगल है उससे भारी मात्रा में चरस बरामद किया, जो छोटा बाजार में एक होटल चला रहा था और शहर में युवाओं के बीच लगातार चरस बेच रहा था। श्रीनगर से इनाम की रिपोर्ट। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य सेवा कश्मीर के निर्देशकों ने छात्रों और शिक्षकों के तंबाकू के दुष्प्रभावों और रोकथाम और नियंत्रण के उपायों के बारे में संवेदनशीलता के लिए पोलस बोर्डिंग स्कूल हरवान में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाव। पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पूर्व मंत्री सज्जत लोन श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर से इनाम की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस 6 बटालियन कटरा जम्मू से आज उप निरीक्षक रवि कुमार सेवांतरित हो रहे हैं। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। आज रामबन से 3 किलोमीटर पहले पहाड़ी क्षेत्र के पास एक खोज के दौरान एक व्यक्ति जो फिसल गया था, जिसका शरीर आधे से अधिक गंदगी में दबा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था, वह व्यक्ति जिसे तुरंत BDS टीम और 72 BN के सेना द्वारा ले जाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाव। आज सांबा के लोग प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में शिवसेना बाल ठाकरे पार्टी का दामन थामा। सांबा से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। आज जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा में एक ट्रक और एक टू व्हीलर भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायकों ने सरपंचों और पार्षदों के माध्यम से अपने मानदेय के पूर्ण निर्देशन पर राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ बुधवार दोपहर को जोरदार प्रदर्शन किया। इरफान बेग की खास रिपोर्ट। अभी तक गवर्नर साहब ने हम इसीलिए प्रोटेस्ट किया कि इन्होंने हमारा जो पे है आगे वो इन्होंने सरपंचों के हवाले कर दिया, मगर हम वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें जो अपना गवर्नमेंट देता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, सीईओ हो, ट्रांसफर हो या कोई भी हमारे किसी तरह का हो, हम चाहते हैं हमें उसी अपनी जो यहाँ से हमें डिपार्टमेंट के जरिए ही हमें पे मिलना चाहिए, हमें सरपंच के जरिए से पे नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हाँ, इनको पता है कि ये शायद राशन न्यूट्रिशन जो हमारे पास आती है ये वर्करें और सुपरवाइजर्स अपने इकट्ठे मिलकर मिलजुल कर खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उनको कहते हैं आप न्यूट्रिशन उन्हीं के हवाले कर दो, वो ये हमें देंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। उनको भी पता चलेगा ये खाते हैं या और किसी को देते हैं, इनको समझ में आएगा। मगर ये जो हमारा असली मेन मकसद ये है कि ये हमारा जो पे है ये हमारा डायरेक्टर निकालना चाहिए अपने डिपार्टमेंट के जरिए। हमें आज 15 दिन हो गए, अभी तक किसी गुना से मसा हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिल गए, शर्मा साहब से, उसने भी बोला कि मैं गवर्नर साहब से बात करूँगा, मैं समझ लूँगा, मैं उसको बता दूँगा कि ऐसे ऐसे बात। अभी तक हमें वहाँ से कोई ये मैसेज नहीं आया, हम इसीलिए मजबूर हो गए। हम इंशाल्लाह अगर कुछ नहीं होगा तो इससे भी ज़्यादा मतलब हो जाए, इससे भी ज़्यादा। आज जियारत शरई जेरेक शाह समानी आर ए बहराम गाला में प्रशासक औकाफ विभाग और पुलिस सुरक्षा ने कंट्रोल लिया। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय चेतना अभियान के अंतर्गत पैंथर्स पार्टी द्वारा आज शहीद उधम सिंह के 79वें बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और सभी देशवासियों को क्रांतिकारी वीरों के नक्शे कदम पर चलने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाव। श्रीनगर में मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक, जिसमें राज्य में 102-108 टोल फ्री इस एम्बुलेंस सेवा का संचालन को मंजूरी दी गई। दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट।
जिला रामबन तहसील राजगढ़ के शिवपुरी चलाए धाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवपुरी चलाए धाम यात्रा का मेला संपन्न हुआ। इस यात्रा में पूर्व विधायक रामबन नीलम लेंगे के अलावा हजारों की संख्या में राज्य जम्मू व कश्मीर से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुओं ने चलाए शिवपुरी में जाकर शिव परिवार के दर्शन किए। डोडा से हरदेव मन्हास की रिपोर्ट। पीएचई के चैनपुर स्थित फिल्टर प्लांट से दूषित गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में पीएचई विभाग के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि पीएचई विभाग फिल्टर प्लांट से बिना फिल्टर किए गंदे दूषित पानी की सप्लाई कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और इस गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां फैलने की भी आशंका है। सबसे पहले हमारी अपील है गोविंद साहब जी से, जो हमारे जेएनके के हैं, कि ये देख लो न्यूज सोर्स, जो हमारा जहाँ पे फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये देख लो ओपन पाइपें फेंकी हैं, ये साथ में रिवर जा रहा है दरिया में, पानी में इतना कचरा पड़ा हुआ है, ये पानी हमें पूरे कालाकोट में सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे ऑफिस कोर्ट में भी यही पानी जाता है, हॉस्पिटल में भी यही सप्लाई जाती है, और ये ऑल हमारे कालाकोट में ये पानी जाता है। तो हमने इसके लिए कई बार एक्शन साहब से भी बात की है और इनके आला कमांड से भी हमने बात की है, इन्होंने आज तक इस पर कोई गौर नहीं की। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे न्यू सोर्स बना हुआ है, वहाँ पे पानी वेस्ट जाता है, ओवरफ्लो होकर जाता है। हमने इन्हें रिक्वेस्ट की थी वो पानी हमें बाजार की सप्लाई लिया, हमें कनेक्शन वहाँ से दिया जाए, लेकिन इन्होंने कोई नहीं सुनी हमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की अनियमितता घोटाला मामले में पूछताछ की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके खबर नाव के साथ। नमस्कार।